समयंतक मणि, जिसके लिए सत्राजीत ने श्री कृष्ण पर चोरी का झूठा कलंक लगाया, श्री कृष्ण का जामवंती और सत्यभामा के साथ विवाह कराया। आइए जानते पूरी कहानी उस समयंतक मणि की। श्री सुखदेव जी अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को समयंतक मणि की कहानी सुनाते हुए कहते हैं, सत्राजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से समयंतक मणि उसे दे दी। सत्राजीत उस मणि को गले में धारण करके ऐसे चमकने लगा मानो स्वयं ही सूर्य हो। जब सत्राजीत द्वारका आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसकी तेज से चौंधियाने लगी। लोगों ने समझा कि कदाचित भगवान सूर्य ही आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, हे जगदीश्वर, देखिए अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। लोगों की बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये सूर्य देव नहीं, ये तो सत्राजीत है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजीत अपने समृद्ध घर में चला गया। उसने ब्राह्मणों द्वारा समयंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। यह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, गृह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्राजीत तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु सत्राजीत इतना लोभी था कि उसने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजीत के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमय मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह शेर अभी गुफा में प्रवेश ही कर रहा था कि मणि के लिए रक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला। उन्होंने यह मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने से उसके भाई सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा कि मणि के लिए श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला, क्योंकि वह मणि गले में धारण कर वन में गया था। सत्राजीत की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सिर लगाया गया है, तब वह उसे दो भाने के लिए नगर के कुछ सभ्य पुरुषों के साथ प्रसेन को ढूंढने वन में चले गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन को घोड़े समेत मार डाला। जब वे लोग सिंह के पैरों के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई रक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने देखा श्रेष्ठ समयंतक मणि को बच्चे खिलौना बनाकर खेल रहे हैं। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चों के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे चिल्ला उठे। चिल्लाहट सुनकर परम बली रक्षराज जामवन क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। जामवन उस समय कुपित हो रहे थे, उन्हें भगवान की महिमा उनके प्रभाव का पता ना चला। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जामवंत आपस में घमासान युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के वज्र प्रहार के सामने कठोर घूंसों की चोट से जामवंत के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं जान नहीं पाया आप इस समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल और मगरमच्छ शुभ्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की थी तथा लंका का विध्वंस किया था। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे भगवान श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। जब रक्षराज जामवन ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों से उनके शरीर पर हाथ फेर दिया और फिर गंभीर वाणी से भक्त जामवन जी से कहा, रक्षराज हम मणि के लिए तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा हम अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहते हैं। भगवान के ऐसे कहने पर
जामवंत बड़े ही खुश हुए। उन्होंने अपनी कन्या कुमारी जामवंती और मणि दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा में बाहर छोड़कर गए थे उन्होंने 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अब तक गुफा से नहीं निकले तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका लौट गए। वहां जब माता देवकी, रुक्मणी, वासुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्रजीत को भला बुरा कहने लगे। सभी लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधु जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हुए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परम आनंद में मगन हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्रजीत को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाया। जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्रजीत को सौंप दी। सत्रजीत अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा। अब वह यही सोचता था कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं? मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो? मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं? धन के लोभ में मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वैस्मयंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराधों का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्रजीत ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय किया और अपनी कन्या तथा स्मयंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील स्वभाव, सुंदर, उदारता आदि सभी गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग सत्यभामा को पाना चाहते थे और उन्होंने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण से उनका विवाह हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने सत्रजीत से कहा, हम स्मयंतक मणि नहीं लेंगे, आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके पास ही रहे। हम तो केवल उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें जिसे राज्य के लिए उपयोग में लाया जा सके। कुछ दिनों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से मिलकर कहा, तुम सत्रजीत से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्रजीत ने अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण से ब्याह दिया। अब सत्रजीत भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए? शतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्रजीत को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है वैसे ही सत्रजीत को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं बड़ा शोक हुआ। वे हाय पिता कहकर विलाप करने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। यद्यपि इन सभी बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की तरह लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और शतधन्वा को मारने तथा उसे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांधकर इस लोक में या परलोक में सकुशल रह सके? तुम जानते हो कि कंस उन्हीं के द्वेष के कारण राज्य लक्ष्मी खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के अपनी राजधानी लौट गए हैं। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार का टकासा जवाब दे दिया तब शतधन्वा सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना करने लगा। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का
बल पौरुष जानकर भी उनसे वैर उठाए। जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा जी आदि विश्व विधाता भी नहीं जान पाते, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक ही थे एक ही हाथ से गिरिराज पर्वत को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे बच्चे बरसाती छाते को उखाड़ कर हाथ में ले लेते हैं वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उस भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत है, वे अनंत अनादि एकरस और आत्मस्वरूप है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उन्हें कोरा सा जवाब दे दिया तब श्रद्धनवा ने स्मंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी। अब उन्होंने अपने ससुर सत्रजीत को मारने वाले श्रद्धनवा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में श्रद्धनवा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो उठा था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। श्रद्धनवा पैदल ही भाग रहा था इसलिए भगवान ने पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले सुदर्शन चक्र से उसका सिर उतार लिया। उसके वस्त्रों में स्मंतक मणि को ढूंढा परंतु जब उन्हें मणि नहीं मिली तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने श्रद्धनवा को व्यर्थ ही मारा क्योंकि उसके पास स्मंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि श्रद्धनवा ने स्मंतक मणि किसी और के पास रखी है। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि श्रद्धनवा को मार डाला गया है परंतु स्मंतक मणि उसके पास नहीं है। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्रजीत की सब क्रियाएं करवाई जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने श्रद्धनवा को सत्रजीत के वध के लिए उत्तेजित किया था इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धनवा को मार डाला है तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से कहा, चाचा जी आप दान धर्म के पालक हैं, हमें यह बात पहले ही मालूम है कि श्रद्धनवा आपके पास वैस्वंतक मणि छोड़ गए हैं जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते हैं कि सत्रजीत के कोई पुत्र नहीं है इसलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाते ही उन्हें तिलांजलि पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ भी बचा रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि स्मंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए तथापि यह मणि आपके ही पास रहे क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा है तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते, इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी सत्यभामा और जामवंती का संदेह दूर कीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह स्मंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता है सुनता है अथवा स्मरण करता है वह हर प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। दोस्तों आपको भगवान कृष्ण और स्मंतक मणि की ये कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।